खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया 222 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन। नमस्कार, देश की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें। चलते हैं खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा रीवा के सिरमौर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में 222 करोड़ के लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि सिरमौर में सीएम राज की स्थापना होगी, जिसका भवन 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इसमें आधुनिक शिक्षा की सभी सुविधाएँ होंगी। रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के 84,000 गरीबों के आवास बने हैं। योजना के पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराकर 86,000 गरीबों के नाम जोड़े गए हैं, जिन्हें कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के आवास की सुविधा मिलेगी। विंध्य क्षेत्र में बाढ़ सागर बांध की नहरों से खेती में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अब रीवा के गेहूं की देश ही नहीं विदेशों में भी मांग है। सिरमौर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। तमस नदी से उद्वहन सिंचाई योजना के सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बैकुंठपुर में उप तहसील खोलने तथा लालगांव हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम लाल रुक्मणी रमण प्रताप सिंह स्कूल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आम जनता से मिले आवेदन पत्रों में सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त हितग्राही को तत्काल प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किश्त देने में देरी के संबंध में समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बसावन मामा ने पीपल पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। हर व्यक्ति जन्म दिवस तथा जीवन के अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधे अवश्य लगाए, साथ ही अपने गांव तथा शहर को साफ सुथरा रखने में योगदान दे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिरमौर सिविल हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय तथा आईटीआई कॉलेज का नाम पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी आईटीआई कॉलेज करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि डभौरा में औद्योगिक केंद्र विकास के लिए सर्वेक्षण कराकर कार्यवाही की जाएगी। नगर पंचायत डभौरा में सब्जी मंडी तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगर बढ़ाई की खेतों में पानी है, मैंने यही तक फोन किया सिंचाई विभाग के एसीएस को और ये निर्देश दिए कि तत्काल सर्वे करके हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिसके कारण यहाँ सिरमौर के आसपास अगर ऊंचा है सिरमौर तो सिरमौर है, सिरमौर का ही इससे ऊपर है सिरमौर सिंचाई में पीछे रह गया, सिंचाई में सिर्फ और नहीं रह पाए जो ऊपर बसे। अब मैं इसका पूरा सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवा के तकनीकी दृष्टि से संभव हुआ तो पानी लिफ्ट करके भी सिरमौर इलाके के गांव में हम सिंचाई का पानी देने का काम करेंगे, ताकि रीवा जिले अलग अलग जो क्योंकि नहर बहुती नहर नई गरीब अलग अलग काम चल रहे हैं हमारे उसमें से।